लैम्डा मैक्स भी शो कर रही है। अब जारनेस क्या चीज है, लैम्डा मैक्स क्या चीज है, ये एक अलग टॉपिक। तो अब आपका डिटेक्टर रेडी हो चुका है। जो एनालिस्ट है उसका काम यहां तक है, क्योंकि डिटेक्टर रेडी, अब वो इस पे काम कर सकेगा, इसने अपनी सेल्फ कैलकुलेशन कर ली। अब नेक्स्ट जो है आपका ये मॉड्यूल भी रेडी हो चुका है, अटल हो चुका है। अगर इस पे आप देखें तो ये अब इस पे कुछ शो नहीं कर रहा, ये शो कर रहा है, आइडल है, और आप इसको यूज कर सकते। अब आपकी तरफ से ये दोनों पार्ट जो हैं ओके हैं, आप मशीन को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करवा के यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो रूटीन वर्क इस पे करना होता है मशीन को मेंटेन रखने के लिए, वो ये है, आप जाएंगे इसके स्टेटस में, स्टेटस बटन को पुश करेंगे तो आपको इसमें इसका फ्लो रेट नजर आएगा। और क्योंकि चार पंप हैं इसमें, इसलिए इसके चार पंप एबीसीडी की परसेंटेज भी नजर आएगी कि आपने 25-25% चार चलाने हैं, 50-50 दो चलाने हैं, या 75-25 दो चलाने हैं, या तीन चलाने हैं, परसेंटेज 100% रहेगी। अब हम लोगों ने जाना है डायरेक्ट फंक्शन में। डायरेक्ट फंक्शन का मतलब, क्योंकि इसमें ढेर सारे पैरामीटर हैं, इसमें ड्राई प्राइम, वेट प्राइम, पर्ज इंजेक्टर, इक्विलिब्रिएट, कंडीशन कॉलम, इंजेक्ट सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ड्राई प्राइम, फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं ड्राई प्राइम। ड्राई प्राइम का मतलब यह है, ये जो कि बेसिक चीज है वो ये है, क्योंकि मोबाइल फेस जब सॉल्वेंट रिजर्वायर में पड़ी रहती है या एनालिस्ट एक वायल से दूसरी वायल में फिल्टर चेंज करता है, तो तब उसमें एयर आ जाती है। एयर निकालने के लिए, सिंगल लाइन की एयर निकालने के लिए हम ड्राई प्राइम यूज करते हैं, सिंगल लाइन सिंगल पंप से हम फ्लो चलाने के लिए। कभी ड्राई प्राइम में आप चार पंप नहीं चला सकते। तो ये हमारे पास एक और बेसिक चीज, नैनो पर इसका साइज है इस फिल्टर का, ताकि एयर अनडिजॉल्व्ड कोई इम्प्योरिटी हमारे पंप में से गुजरते हुए कॉलम तक न पहुंचे। ये हम पहले ही इसका एसएस फिल्टर लगाते हैं, इसका नैनो साइज ये इसके अंदर लगा। अब अगर एयर आ गई है तो एक टेक्निकल वो है कि आप इसको इस पंप के उससे लेवल से नीचे रख और पंप चला रहे। अब ये ए लेवल ए सॉल्वेंट है, आप ए पंप चलाएंगे तो अगर इसमें एयर है तो एयर फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आ जाएगी और जल्दी निकल जाएगी। कुछ टेक्निकल लोग ऐसा करते हैं कि वही पड़ा रहता है और एयर निकालने की कोशिश करते हैं, वो काफी देर लग जाती है, वो बबल वहीं पर रुका रहता है लेवल की वजह से। तो ये एक उसमें अनवरी बात। अब आप सॉल्वेंट ए को इसी तरह पर्ज कर लें, ड्राई प्राइम कर लें, पी को कर लें, सी को। अगर चारों टाइम आपकी ओके पड़ी है, कहीं आपको यह नजर नहीं आ रही, तो आपको जरूरत नहीं है ड्राई प्राइम करने। या इसके अलावा अगर आपने ड्राई प्राइम करना है, आपने मोबाइल फेस चेंज की है और सॉल्वेंट बनाया है, और सॉल्वेंट बनाया है, आप चाहते हैं कि बजाय इसके फिर काफी देर लग जाए वो यहां तक पंप तक पहुंचे, तब भी आप ड्राई प्राइम कर लें। ये तो हो गया इसमें ड्राई प्राइम का फंक्शन, ये हम इसको ओके करके भी देख लेते हैं। अब ये ऑप्शन दे रहा है ओपन ए बी सी आर डी, वही चारों पंप के नाम बता रहा है, कोई कंफ्यूजन वाली बात वो नहीं कर रहा। अभी आप कौन से पंप को चलाना चाहते हैं, कौन सी लाइन को, इसके लिए ये जरूरी है कि आप पहले इसका पर्ज वाल, ये इसका पर्ज वाल या वेंट वाल भी से कहते हैं, या प्राइम वाल भी आपसे कह सकते, ये आप इसको खोल दें, ये बाईपास है। उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सपोज सी को, मैंने सी को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू, उसने सी वाला चेक वाल खोल दिया। अब पंप चलना शुरू हो गया, सी लाइन को ही खींचना है उसे। अब इसे लिक्विड में इससे बचने के लिए बेस्ट यह है कि ये प्राइम सेटिंग है हमारे पास, उसका नाम ही प्राइम है, ये इसकी एसीसी है, क्योंकि इसके अंदर पिस्टन वगैरह को चीजें नहीं, तो इसके साथ ही है। तो हम लोगों के लिए बेहतर यही है कि हम इसको सक कर लें, ताकि लिक्विड नीचे भी वेस्ट ना हो और जल्दी बाहर आ जाए। सेम इसी तरह हम एक पंप को भी कर सकते हैं सॉल्वेंट को, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी, डी को भी।
मेरे ख्याल में जहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास चार पंप हैं, हमने डिटेक्टर को ओके करना है, मॉड्यूल को ओके करना है, उसके बाद इसके स्टेटस में जाना है, आपको ये फ्लो वगैरह नजर आएंगे, उसके बाद आपने जाना है डायरेक्ट फंक्शन। डायरेक्ट फंक्शन में आपको ड्राइव प्राइम, वेट प्राइम, पार्ट इंजेक्टर वगैरह ये चीजें मिलेंगी। अगर आपने मोबाइल फेस चेंज किया है तो आप ड्राइव प्राइम पे चले जाएं, एक ही लाइन को जो है ना ट्यूब को जो है ना उसको आप क्लियर कर लें ताकि एयर ना हो, जस्ट एयर निकालने के लिए जो है और कोई फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट एक और मजेदार चीज जो कि मैंने आपको दिखाने की वो ये है, इसमें है ड्राइव प्राइम के बाद वेट प्राइम, उसका फ्लो रेट 7.5 ml है। दोबारा करते हैं डायरेक्ट फंक्शन, अब ड्राइव प्राइम नहीं करूंगा मैं, वेट प्राइम करूंगा। एरो की से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वेट प्राइम, ओके हो गया। अब वो खुद शो कर रहा है वेट प्राइम में, कोई वो पंप नहीं दे रहा कि ए बी सी डी, कोई सिलेक्शन नहीं है, वो खुद कह रहा है फ्लो 7.5 ml, 7.5 ml को खुद कह रहा है मैं फ्लो 7.5 ml चलाऊंगा। अब इसको मैं ओके करना चाह रहा हूँ, ये अगर आप गौर करें तो इसमें आपको V1, V2 ये वो जो वाल्व है उनको शो कर रहा है कि ये खुला हुआ है, ये बंद है, तीन बंद है, एक खुला हुआ है। अब मैं इसको ओके करने जा रहा हूँ, जी मैंने ओके किया, उसने बाईपास कर दिया। अब इस प्राइम वाल्व को खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसने कॉलम में से नहीं गुजरना, अब इसने गुजरना है ये देखें पर्ज उसमें से, ये आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये पर्ज वेस्ट है, ये देखें पर्ज वेस्ट, ये पीछे वाली लाइन से निकल रहा है, ये इस डिटेक्टर से गुजर कर नहीं निकल रहा, वो लाइन ये पड़ी है डिटेक्टर वाली, ये पड़ी है मोबाइल पे, ये वेंट उसमें से गुजर और 7.5 ml फ्लो रेट से चलता है। अब मैं इसको रोक भी सकता हूँ, भाई काफी हो गया, लाइन ओके हो गई है, तो मैं इसको रोक भी सकता हूँ। स्टॉप किया प्राइम को, वो कहता है आप होल्ड करना चाहते हैं, अबर्ट करना चाहते हैं स्टॉप, तो मैं इसको आप अबर्ट ही कर रहा हूँ क्योंकि हमने देख लिया है कि पर्ज के दौरान पीछे से लिक्विड निकल रहा है। अब दोबारा डायरेक्ट फंक्शन, अब नेक्स्ट फंक्शन है पर्ज इंजेक्टर।